जन सरोकार मंच टोंक में आज पुनः हम उपस्थित हुए हैं और यह प्रोग्राम हमारे साथ सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव जी के साथ होने जा रहा है। डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव ने साहित्य में बहुत आराम से, चुपके से, धीरे से, इत्मीनान से साहित्य में प्रवेश किया और अभी भी वो इसी तरह से जीवन यापन कर रही हैं। एक प्रोफेसर जैन कॉलेज में हुआ करते थे, प्रोफेसर लक्ष्मीकांत सिन्हा, उन्हीं के निर्देशन में इन्होंने शोध कार्य पूरा किया साठोत्री महिला को लेकर के, महिला रचनाकारों को लेकर के। उस पर एक किताब भी आई जिसका लोकार्पण आरा में हुआ था। लोकार्पण प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी ने किया था और वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी ने और अवधेश प्रेत और कुमार नयन, तमाम लोग थे वहां पे आरा में। और एक कविता संग्रह 1900 इनका आया जिसका लोकार्पण प्रसिद्ध कवि अरुण कमल ने किया था, आरा में ही लोकार्पण हुआ था। इनके हस्बैंड पतिदेव जी भी रचनाकार हैं और वो भी जूलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर सुरेश श्रीवास्तव जी। उनकी भी एक किताब अभी आई है, उनसे भी हम एक दिन बातचीत करेंगे इस मंच पर। और उनकी भी एक कविता किताब है, यानी पति पत्नी की, दोनों लोगों की दो दो किताबें हो गई हैं। लेकिन मीरा श्रीवास्तव जी की रचना शीलता का केंद्र बिंदु जो है वो स्त्री को लेकर काफी है और बच्चों से काफी लगाव है। कॉलेज मैनेजिंग कमेटी दिल्ली द्वारा जो भारतवर्ष में विद्यालय स्थापित किए गए हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, उसकी पूर्व प्राचार्य रह चुकी हैं, जो इंटर स्तरीय स्कूल रहा है, तो एक लंबा अनुभव रचनात्मक लेखन में भी, और इनका परिवेश भी साहित्यिक रहा है। पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है तो वहाँ एक माहौल जो होता है साहित्य का, तो वो तमाम लोग कर्मेंदु शिष्य से लेकर अरविंद कुमार और बहुत सारे लोग, भृगुनंदन त्रिपाठी जी, तो इस तमाम एक लाइफ से, जीवन से जुड़ी हुई बातें होती हैं जो कि एक रचनाकार को रचनात्मक बनाती हैं। मीरा श्रीवास्तव ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, जिसमें एक कविता बार बार दिमाग में घूमती है, सर्कस की लड़की। एक बार हम लोग साथ ही में गए थे सर्कस देखने के लिए, आरा में लगा था, तो या करके कविता लिखी थी, फिर उस पर कुछ काम भी हुआ था। तो एक दरअसल वो लड़की जो सर्कस से काम करती हैं, वो लड़कियां तो होती हैं, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि देश में कई तरह की लड़कियां हैं या औरतें हैं, जो कल कारखानों में काम करती हैं, जो घास गढ़ती हैं, जो पायलट हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, प्रोस्टिट्यूट हैं, माने अलग अलग ढंग से जो काम करती हैं, तो तरह तरह की स्त्रियां हैं हमारे देश में, उनका अलग अलग वर्ग है। और इस देश को संवारने में स्त्रियों का योगदान काफी बढ़िया हो रहा है, जा रहा है, उस पर इनका ध्यान विशेष तौर पर केंद्रित है कि अपनी रचनाशीलता के बारे में पहले हमें अवगत कराएं। जी रचनाशीलता, मेरी रचनाशीलता का जहाँ तक प्रश्न है, उसकी नींव आपकी ही डाली हुई है। लिखना तो था और लिखती भी रही थी, लेकिन उसको एक व्यवस्थित रूप देने में आपका सहयोग बहुत बड़ा रहा है। आपको आज भी धन्यवाद देती हूँ, मैं शुरू से ही देती रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और रचनाशीलता का जहाँ तक प्रश्न है, मैंने अपना लेखन शुरू किया था कविताओं से, काव्य लेखन से ही शुरू किया था। हालांकि शुरुआत की थी कहानियों से, लेकिन वो कॉलेज का जमाना था, जब कहते हैं कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा हरा ही दिखता है, वो समय था। जी वो कहानियों का कोई मूल स्वरूप नहीं था, बस ऐसे ही कहानियां लिखी, जो अगल बगल परिदृश्य में दिखाई देता था उनको कहानियों के रूप में मैंने शब्दों में बांधा। लेकिन लेखन का आरंभ हुआ कविताओं से, और कविताओं का जहां तक प्रश्न है, मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि मन की अनुभूति, और इसमें कोई शक नहीं है, वाल्मीकि से लेके पंत का के वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान,
या क्रौंच वध को देखकर वाल्मीकि के मन में जो पंक्तियां आई थी, जिसे संस्कृत का क्या पहला महाकाव्य जिसको कहा गया महाकाव्य के, संस्कृत का महाकाव्य उस पर ही आधारित है। तो उसी तरह से मन की जो अनुभूतियां हैं, अगर संवेदनशीलता मनुष्य में है तो वो कविताओं का सहज, वो कविताओं का रूप लेने लगती हैं। उसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, अनायास जिसको कहते हैं, वो अनायास शब्दों में ढल जाती हैं, कविता बन जाती है। तो शुरुआत ऐसे ही हुई। परिवेश भी, विश्वविद्यालय का परिवेश, शरदिंदु कुमार, भुवनंदन त्रिपाठी और कर्मेंदु शिशिर, केसरी कुमार जैसे, नवल किशोर नवल, ये हमारे अध्यापक रहे। तो और सबसे बड़ी बात कि वो माहौल ऐसा था कि अपने क्लासरूम में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में हम लोगों ने सबको देखा, अज्ञेय से लेकर कमलेश्वर और इन लोगों को, फणीश्वरनाथ रेणु, और ये आते थे और क्लास लेते थे केसरी कुमार की वजह से। तो एक माहौल हम लोगों को उस तरह का मिला कि अपनी साहित्यिक जो रुचि थी उसको हम परिष्कृत कर सके। तो एक ये बड़ा, लेकिन हाँ, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि विद्यालय का माहौल, प्रशासकीय कार्यों में इतना समय नहीं मिल पाता था, लेकिन फिर भी लिखना पढ़ना चलता रहा। और धीरे धीरे दृष्टि जो है, दृष्टिबोध जिसको कहते हैं हम, वो कुछ व्यापक होता गया शुरू की। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि स्त्री मन की गुत्थी जो है वो बड़ी अबूझ होती है, सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है। पुरुषों के लिए ही कठिन नहीं होता, स्त्रियों के लिए, स्वयं स्त्रियों के लिए भी बहुत कठिन होता है। तो शुरू में जब मैंने कभी कभार ये भी फील किया कि आई एम बीइंग टोटली निग्लेक्टेड और अवॉइडेड, तो उस समय की कविता निराशा, कुंठा, इन भावों को लेकर है। कभी जब लगा कि नहीं, अपनापन अभी भी हर जगह है, तो दाम्पत्य जीवन से लेके परिवार में, आसपास सब जगह, तो वो कविताएं प्रेम और सौहार्द की कविताएं लिखी। और इस तरह से कभी आसपास जो दुख है, जो पीड़ा है, उस पीड़ा ने भी, दुख ने भी मन को झकझोरा, तो उसमें नारी विमर्श पर भी कविताएं लिखी गई। तो रचनाशीलता के लिए आसपास कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको परिष्कृत करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, वो आपके आसपास ही सारी चीजें मिलती हैं जो आपके मन को छू ले, तो कहीं ना कहीं किसी रचना का रूप ले लेती है। तो यही है। और कविताएं पढ़ने का भी प्रभाव पड़ा, अच्छी अच्छी कविताएं, पंत निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और नई जितने भी कवि कवयित्री हैं, उनको पढ़ा, तो उनसे भी प्रभावित हुई और कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी मेरी रचनाओं के ऊपर पड़ा है। बहुत सुंदर, आपने तो पूरा खाका खींच दिया, बहुत अच्छी बातें की आपने। तो आप जो कविताएं लिखती हैं या लिखी हैं शुरू में, वो किस पर केंद्रित थी या किस बिंदु पर आप लिखना चाहती हैं या लिखने की कोशिश करती हैं? अब तो लिखना जो है हमारा अधिकतर आगे चलकर, मतलब इतने दिनों के बाद, वो नारी केंद्रित ही हो गया है। और अब प्रकृति के भी कुछ परिदृश्य उसमें आते हैं कविताओं में, आसपास जो स्त्रियां हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या किस तरह से उनका शोषण हो रहा है, इस विषय पर भी कविताएं लिखी जा रही हैं। और प्रेम जो कविताएं हैं वो मेरा प्रिय विषय है, तो उन पर भी मैं लिखती हूँ और खूब लिखती हूँ। इधर आलोचना अधिक हो रही है, समीक्षाओं के लिए लोग कहते हैं तो करती हूँ आलोचना इस तरह से। कुल मिलाकर साहित्य की दो चार जो धाराएं हैं उनमें एक साथ लिखना पढ़ना चल रहा है। तो आपकी, चूंकि आज वैलेंटाइन डे है, आपको वैलेंटाइन डे की शुभकामना भी, आपको भी, और आपको भी। प्रेम
प्रेम कविता जो है, आज प्रेम का दिन है, तो आप जी हाँ अगर जी, आपके पास, काव्य संग्रह में ही एक दो कविताएं हैं, हाँ मैं सुना रही हूँ आपको। एक बहुत छोटी सी कविता है लेकिन बहुत खास कविता है, और फिर जी एक मेरा संग्रह जो है ऊनी शॉल भी एक कविता है, वो भी मैं सुनाना चाहूंगी। हाँ सुनाइए सुनाइए। कविता का शीर्षक है तुम साथ होते हो तो। तुम साथ तुम साथ होते हो हो तो, तो अपने, जी तुम साथ होते हो तो अपने होने का विश्वास होता है, तुम साथ होते हो तो सब कुछ पाने का आस होता है, तुम साथ वाह होते हो तो क्यों सब खास होता है, तुम साथ होते हो तो हवाओं से बात होती है, तुम साथ होते हो तो तपिश में भी ओस की बरसात होती है, तुम साथ होते हो तो न जाने कितने कितने सपनों से मुलाकात होती है, तुम साथ होते हो तो हर लम्हा खुशगवार होता है, तुम साथ होते हो तो हर पल जिए जाने का एहसास होता है, तुम साथ हो तो जिंदगी बेमानी नहीं लगती, तुम्हारे साथ होने से ही सब कुछ खास होता है, तुम्हारे साथ होने से ही सब कुछ खास होता है। अब ऊनी शॉल एक बार मैं आपको सुनाती हूँ, बिल्कुल और इसका शीर्षक ही है, और यही शीर्षक मेरी कविता संग्रह का भी है। तुम्हारी ऊनी शॉल मेरे बैग में रखा तो था मैंने अपना ही अपने बैग में, देर बीती रात मैंने जब उसे निकाला हौले से सहलाया, एक छोटी सी मुस्कान मेरे होठों पर आ गई, शॉल को लपेटा जो अपने इर्द गिर्द, शॉल को लपेटा जो अपने इर्द गिर्द लगा, तुम्हारी सबल बाहों ने समेट लिया हो मुझे, सर्दियों की अंगीठी सी धीमी आंच सी संप्रेषित होती तुम्हारी उष्मा, तुम्हारे न आने का एहसास तक, तुम्हारे न होने का एहसास तक भाप सी उड़ा गई, तुम हो यही मेरे करीब यह ख्याल, एक मीठी सी थिरकन सी सहरा गई मेरे मन को, तुम हो यही मेरे करीब यह ख्याल, एक मीठी थिरकन सी सहरा गई मेरे मन को, मैं उसी पुलक से भरी सेहरी तुम्हारी बाहों से घिरी, अपनी पलकों पर नींद के उतरने को महसूसती रही, कितना भला लग रहा है, कितना भला लग रहा है तुम्हारे होने के भाव से भर कस लेना ऊनी शॉल को अपनी देह पर, तुम हो यही हो अभी हो सदा हो मेरे पास, तुम हो यही हो अभी हो सदा हो मेरे पास। तो मैं चाहती हूँ कि नारी विमर्श पर जो कविताएं उधर हाँ मैं लिख रही हूँ वो कविताएं लिखूं और आपको सुनाऊं, और बिल्कुल बिल्कुल श्रोताओं सुनाइए। जो जुड़े हुए हैं वो सुने। ये कविता नारी विमर्श पर है कि औरतें रसोई में खेत में, औरतें रसोई में खेत में, औरतें रसोई में बिता देती हैं जिंदगी रोटियां बिल्कुल बेलते सेंकते, औरतें रसोई में बिता देती हैं जिंदगी रोटियां बेलते सेंकते, घर का कोई पुरुष झांकता तक नहीं, घर का कोई पुरुष झांकता तक नहीं, वर्जित क्षेत्र है रसोई पुरुषों के लिए, वर्जित क्षेत्र है रसोई पुरुषों के लिए, कुछ वर्जनाएं बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं ये पुरुष, कुछ वर्जनाएं बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं ये पुरुष, सब्जियां छीलते काटते औरतें काट लेती हैं उंगली हंसुए की तेज धार से, पुरुष लापरवाही जताते उंगली से टपकते खून को अनदेखा कर देते हैं, पुरुष लापरवाही जब जताते उंगली से टपकते खून को अनदेखा कर देते हैं, औरतों के अंग से बहता खून, औरतों के अंग से बहता खून बहुत मायने नहीं रखता पुरुषों के लिए, औरतें
पानी की तेज धार के नीचे खून को धो, कड़ी उंगली को मुंह में भींच, उंगली के झक सफेद होने तक चूसती जाती हैं, जब तक उन्हें यकीन ना आए कि कतरा भर खून भी जाया नहीं हुआ। औरतें सावन में घुटनों तक खेत के कीचड़ पानी में धस, औरतें सावन में घुटनों तक खेत की कीचड़ में धस रोपती हैं धान के बीजड़े, कमर दोहराए क्यारियों में रोपनी करती औरतें, कमर दोहराए क्यारियों में रोपनी करती औरतें जैसे कसीदे काढ़ती होती हैं पानी पर, कमर दोहराए क्यारियों में रोपनी करती औरतें जैसे कसीदे काढ़ती होती हैं पानी पर, एक भी धागा न ढीला न कसा, एक भी धागा न ढीला न कसा, दर्द में पिराती अपनी कमर, सीधा नहीं करती ये औरतें जब तक टोकरी के बीजड़े खत्म नहीं हो जाते, उस वक्त भी खेत के आसपास नहीं होता एक भी पुरुष, उस वक्त भी खेत के आसपास नहीं होता एक भी पुरुष, बदरंग साड़ी को घुटनों तक उठाए, फटे पल्लू को छाती पर कसकर लपेटे, अन्नपूर्णा का रूप धरे ये औरतें, इंद्रदेव का आह्वान जब कर रही होती हैं तब भी वहां एक भी पुरुष नहीं होते। औरतें चूल्हा चौका समेटती बुझती, लकड़ी का धुआं अपनी छाती में भरे, खटिया पर निढाल गिरने को होती है वही पुरुष, जो दिन भर न उनके आसपास न उनके साथ कहीं होते, खटिया पर करवटे बदलते उनकी राह देखते होते हैं, वही पुरुष जो दिन भर उनके आसपास न उनके साथ कहीं होते, खटिया पर करवटे बदलते उनकी राह तकते होते हैं। बहुत सुंदर। अब प्रेम कविताओं की बात, आज प्रेम दिवस है तो एक छोटी सी कविता ही है, मैं सुनाती हूँ। प्रेम में विदेह होना, प्रेम में विदेह होना, शीर्षक है। तुमने कहा प्रेम प्रेम अनंग है, तुमने कहा प्रेम अनंग है, मैं विदेह हो गई, मैं विदेह हो गई, तुमने कहा बिना देह प्रेम कैसा, मैंने माना और अपनी देह को सिर से पैर तक भर लिया प्रेम से, तुमने कहा प्रेम अनंग है, मैं विदेह हो गई, तुमने कहा बिना देह प्रेम कैसा, मैंने माना और अपनी देह को सिर से पैर तक भर लिया प्रेम से, तुमने नई परिभाषा दी प्रेम की, तुमने नई परिभाषा दी प्रेम की, स्त्री प्रेम का पर्याय है, मैंने टटोला खुद को और हैरान रह गई, मैंने टटोला खुद को और हैरान रह गई, प्रेम कहाँ है मुझमें, प्रेम और मैं एक हो सकें, प्रेम और मैं एक हो सकें, उसके लिए अपना तुम छोड़, उसके लिए अपना तुम छोड़ तुम्हें मेरे मैं को स्वीकारना होगा। ये बहुत छोटी सी कविता है लेकिन हाँ बहुत अच्छी। जी पहले कविता सुनाए, पहले वाली कविता प्रेम कविता तो खैर अच्छी कविता है, और पहले जो एक स्त्री सब्जी काटती है उसका हाथ कट जाता है थोड़ा सा, ये बहुत छोटी घटना है लेकिन उसका व्यापक संदर्भ है। पुरुष नजरअंदाज करते हैं उस ब्लड का, जबकि औरत का वो ब्लड बहता है, वो चूसती है जब तक खून बंद नहीं होता है तेज धार पानी से। तो ये जो स्त्री समाज में और पुरुष समाज में, पितृसत्तात्मक समाज में जो चीजें चल रही है उसका आपने करारा प्रहार किया है, घटना छोटी सी और ये हर घरों में होती है, लगभग हर घर में। भारतीय साहित्य में इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं का जिक्र कविता में ही आती है, वो कहानियों में ज्यादा दिखने को नहीं मिलती हैं, ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कविता में आपने इसको बहुत बढ़िया ढंग से पिरोया है।
वो एक दिमाग में बात बनती है कि स्त्री के प्रति स्त्री कितना सोच रही है, उसका कितना सकारात्मक पहलू है। आपको अगर पूछा जाए कि भाई, आपको ये कविता कैसे मेरे मन में आई? आपको भी जी याद होगा सितांश, आपने जैसे कही कि पुरुषों की दृष्टि उस तरफ नहीं जाती है। जब हम लोग स्कूल मेन रोड से होके स्कूल के रास्ते पर जाते थे, आस दोनों ही तरफ खेत थे धान के, और मुझे बड़ा आश्चर्य बिल्कुल होता था कि सचमुच स्त्रियां वहां घुटने तक साड़ी उठाए और धस के कीचड़ में, और धान वो धान रोपण। के बीजड़े बोती रहती थी, और एक पुरुष, बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, वहां एक भी पुरुष। तो मैंने पूछा भी था कि भाई ऐसा क्यों, स्त्रियां ही क्यों ये काम करती हैं? तो कहा कि ये तो पता नहीं, लेकिन हर जगह स्त्रियां ही करती हैं, ये धान के बीजड़े बोने का काम स्त्रियां ही करती हैं। तो वही अन्नपूर्णा का मैंने कि इंद्र का आह्वान करती है, इंद्र अन्नपूर्णा का रूप धरकर, वो भी मन में आया। चलिए, कविता आपको अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन पर कवि हावी होता है, आलोचक हावी होता है? कवि मन पर आलोचक का मन, या आलोचक के मन पर कवि का मन? कवि ही हावी रहता है। वो कुछ व्यवस्थाएं हो जाती है, मतलब जैसे कुछ असाइनमेंट मिल गए तो आलोचना, लेकिन फिर भी वो ये नहीं है कि कविता जो है वो दब जाती है, कविता मन में उठती रहती है। लेकिन हाँ, अब वो आलोचना के लिए थोड़ा सा, आलोचना को परे हटाकर कविता लिखना वो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अभी आप किसको किसको पढ़ रही हैं? आप तो बहुत ज्यादा पढ़ती हैं, मैं देखता हूँ इधर इतने सारे मैगजीन्स, इतने सारी किताबें। अभी सबसे ज्यादा मैं अपनी पोती को ही पढ़ रही हूँ जिसके धूप में मुट्ठी भर के उसने धूप मेरे हथेली में भरा, तो अभी 2.5 महीने रह के भी गई है वो। तो मन में तरह तरह की बातें आती हैं, और किताबें पढ़ रही हूँ, कुछ मित्रों की भी किताबें मिली हैं। प्रतिभा चौहान जी का नया वो कहानी संग्रह दिया है उन्होंने, अभी उसको पढ़ना है। आपकी किताब जी भी पढ़ने का मेरे बहुत पहले की, कुछ उस पर लिखूंगी, अभी वो भी काम आप तो बाकी है। लिखे जी भी हैं, पहले वाले संग्रह जी पर लिखे भी हैं, वाणी प्रकाशन ने अपने जी बुकलेट में जी छापा भी था उसको प्रमुखता से। जी तो जी वो जो आपकी जो आई थी बच्ची, वो मुट्ठी भर धूप वाली कविता हम सुनना चाहते हैं जी वो आप। जी धूप भरी मुट्ठी तुम्हारी, धूप भरी मुट्ठी तुम्हारी, ये शीर्षक है। और मैंने जो कहा था कि जी आजकल पोती को ही ज्यादा पढ़ रही हूं, तो वही सूरज न जाने क्यों मुंह छिपाए बैठा है कहीं, सूरज न जाने क्यों मुंह छिपाए बैठा है कहीं, सारे आसमान पर काले सांवले बादलों की दोहरी तेहरी झालरें, कल शाम से ही टंगी लटकी है ड्राई बालकनी और किचन के बीच, दरवाजे पर रखे डोर मैट पर दोपहरी धूप छज्जे से उतर जो ही झांकने को होती है किचन के भीतर, धूप की परछाई पकड़ तुम्हारी बिलौटी आंखें कैसे चमक उठती हैं, तुम्हें कैसे बताऊं, डोर मैट पर उकड़ू बैठे नन्ही हथेलियों को धूप के टुकड़े पर धर उसे मुट्ठी में भरने की कोशिश, बारी बारी दादू दादी की हथेलियों पर धूप को धर देने का इशारा, कितनी कविताएं रच देते हैं मन में तुम्हारे अनबोले शब्द, कितनी कविताएं रच देते हैं मन में तुम्हारे अनबोले शब्द, बिंबों का वितान खड़े कर रचने लगते हैं कल्पनाओं की सुंदर महावर हमारी हथेलियों पर, बिंबों का वितान खड़े कर रचने लगते हैं कल्पनाओं की सुंदर महावर हमारी हथेलियों पर, ये तू नहीं समझ पाएगी कभी, ये तू नहीं समझ पाएगी अभी, मुट्ठी में धरी तुम्हारी हथेली भर धूप, एहतियातन एहतियातन हमने संजो रखी है अनदेखी किसी तिजोरी में, मुट्ठी में भरी तुम्हारी हथेली भर धूप, एहतियातन
हमने संजो रखी है अनदेखे किसी तिजोरी में, उदासी के घने साए जब हमें घेरेंगे, मन जब हर ओर फैले अवसाद से, मन जब हर ओर फैले अवसाद में, डूबने को होगा उस बुझाहट से उबरने के लिए हम, उदासी के घने साए जब हमें घेरेंगे, मन जब हर ओर फैले अवसाद में, डूबने को होगा उस बुझाहट से उबरने के लिए हम, निकाल लाएंगे तिजोरी से महज एक चुटकी धूप, निकाल लाएंगे तिजोरी से हम महज एक चुटकी धूप, और रच जाएगी फिर कोई कविता, और रच जाएगी फिर कोई कविता। बहुत सुंदर। तो पहले की ये कविता है, एक वो निकाल दीजिएगा तो माटी बरसी पर, ये महुए की मदालस गंध, सड़क से गुजरते हुए रात में गाड़ी से हम लोग कहीं जा रहे थे, और जी महुआ जब टपकने लगता है पककर, तो उसकी महक बहुत दूर दूर तक, उस महक को नशीली महक कहते, मतलब मीठी महक जो होती है वो कैसे असर करती है। जी नथुनों में न जाने कब की, नथुनों में न जाने कब की भूली बिसरी मदालस महुए की गंध, आज भी भर भर जाती है चलती गाड़ी में बैठे, निपट सुनसान कोलतार की सपाट सड़क पर, फड़क उठते ये नथुने, फटक उठते थे ये नथुने, एक अलस मीठी सी महक के सांसों से होकर भीतर उतरने तक, निपट सुनसान कोलतार की सपाट सड़क पर, फड़क उठते थे नथुने, एक अलस मीठी सी महक के सांसों से होकर भीतर उतरने तक, अनजानी थी वह गंध जो समेटे रहती थी अपने साथ, सड़क से दूर बसे गांवों के उत्सव राग को ढोल की थापों में, समेटे रहती जी थी अपने साथ सड़क से दूर बसे गांवों में उत्सव राग को ढोल की थापों में, उठते गिरते अनचिन्हे गीतों के बोल, उठते गिरते अनचिन्हे गीतों के बोल, कब आदिम चीख में बदल दौड़ते चले जाते, भागती गाड़ी के साथ साथ गीत एक तान पर पहुंच, गीत एक तान पर पहुंच जैसे छूट जाते पीछे, बसी रहती वही मथुए की, बसी रहती वही महुए की मदलास मदालस सी मीठी गंध, मदालस मीठी गंध भीतर तक सहेज कर तहाए, गुलाबी रुमाल में जज्ब इत्र की मधुर गंध सी नथुनों में। ये थोड़ा इसका बैकग्राउंड मैं बता दूं, बचपन में जी गाड़ी से हम लोग पिताजी के साथ जाते होते थे, रात हो जाती थी, बचपन में कहीं भी टूर पे निकलते हम लोग बैठ जाते उनकी जीप में, और उधर से जब लौटते तो ये, और वो गंध होती थी, और आदिवासी पूर्णिया जो बेल्ट है तो आसपास के वो मुसहर जिसको कहते हैं उनकी जाति बस्ती थी, और वो लोग रात में वो ढोलक की थाप पर नाचते गाते, और एक अजीब तरह की गले से उनकी चीख, औरतों के गले से चीख निकलती थी, वो गाने में ही होता था, लेकिन वो चीख जिसको आदिम चीख इसमें मैंने कही कहा है कि वो, तो वो अभी तक गाड़ी में बैठे जब रात होती है तो लगता है कि कानों में वो आवाज गूंज रही है अभी तक। उसी स्मृति पर ये कविता आधारित है। बहुत सुंदर कविता है। वो कविता मिल गई, वो प्रथम वर्षीय वाली जी सुनाइए। जी हाँ, पहली अभी 13 जनवरी को ही माँ की पहली बरसी थी, जी ये एक तरह से श्रद्धांजलि है उनके लिए। उन दिनों बिल्कुल जब मैं अपनी प्रबुद्धता के खुमार में डूबती उतराती रहती थी, उन दिनों जब मैं अपनी प्रबुद्धता के खुमार में डूबती उतराती रहती थी, तब भी संशय एवं द्वंद के बीच अंतः सलीला समान, तब भी संशय और द्वंद के बीच
अंतः सलिला समान प्रवहमान तुम्हारी अप्रत्यक्ष उपस्थिति से मेरे भीतर संवेदना की तरलता को बूंद बूंद टपकाती, सत्य असत्य भ्रम यथार्थ के घर्षण की किरकिरी को, सत्य असत्य भ्रम यथार्थ के घर्षण की किरकिरी को तुम निरंतर कैसे चुनती रही, बिनती रही, मैं तो समझ ही नहीं पाई तब भी और आज भी। आज जब मैं खुद भी एक माँ हूं, क्या प्रबुद्धता के अहंकार का बोझ ही ढोती रही मैं आज तक? क्या प्रबुद्धता के अहंकार का बोझ ही ढोती रही मैं आज तक? मानती हूं माँ, बहुत चाहना करने के बाद भी तुम्हारी काया में मैं खुद को नहीं उतार सकी। संवेदना की तरलता मेरी शुष्कता के घर्षण को मिटाने के लिए सदा अपर्याप्त ही रही। माँ होकर भी मैं अपनी माँ जैसी आज तक न बन सकी। मैं मानती हूं माँ, मैं स्वीकार करती हूं माँ। बहुत सुंदर। तो अभी आप आलोचना में कुछ अभी समीक्षा लिखी है किसी किताब पे हाल में? अभी तो नहीं लिखा है, पिछले दिनों जो कुछ लिखा था आपने? जी नहीं, अभी कुछ नहीं लिखा है, लिखने को मिला है। जी और एक, चूंकि मेरा शोध विषय महिला कथाकारों पर है, आपको पता ही है, जी जी तो उसमें उसमें मुझे एक प्रस्ताव मिला है कि मेहरुनिसा परवेज पर मैं उनकी रचनाओं को और लिखूं, क्योंकि मेहरुनिसा परवेज के बारे में मेरे दिमाग में भी ये बात आती है कि जितना महत्वपूर्ण योगदान है उनका जी कथा रचना में, कथा साहित्य में, और उस हिसाब से उनको कहा जाए कि उनको स्वीकृति नहीं मिली है। जैसे एक नाम हाशिए पर चला जाता है, जी जी पद्मश्री है, वो सब है, लेकिन जैसे लगता है कि मेहरुनिसा परवेज को लोग भूल चुके हैं। उनका नाम साठोत्री महिला कथाकारों में सबका नाम लिया जाता है, लेकिन वो जैसे हाशिए पर चली गई हो, तो मुझे लगता है कि अब उनको फिर से एक नए सिरे से जानने पहचाने और उनकी रचनाओं का पुनर्पाठ होना बहुत जरूरी है, ताकि फिर से उनको समझा जा सके और जो उनका योगदान है कथा साहित्य में जी उसको सही मान्यता मिल सके और उसकी उसके बारे में लोग जान सके। तो एक ये है, काम कुछ चल रहा है और पूरा होगा तो फिर उसको। अच्छा, साठोत्री महिला कथाकारों पे जो किताब आई उसमें विशेष चीज क्या है, उसके बारे में कुछ संक्षिप्त बताइए उस किताब के बारे में जो याद हो फिलहाल जैसे किताब के किताब। बारे में मैं, एक बात है कि जो मुख्य उसमें अलग अलग भावों की अभिव्यक्ति है। महिला रचनाओं को, रचनाकारों को मैंने आक्रोश, संघर्ष, विद्रोह और व्यंग, तो व्यंग में 60 के जमाने में, 60-70, अकेला एक नाम था ममता कालिया, जो जी व्यंग में बहुत खुले मन से और खुले शब्दों में जो पुरुष समाज है, पितृ सत्तात्मक जो समाज है, नारी शोषण प्रबुद्ध होने के बाद भी नारी को कभी भी समानता के धरातल पर रखकर पुरुषों ने नहीं देखा, इसको बड़े व्यंगात्मक तरीके से अपनी कहानियों में उन्होंने लिखा है। तो और आक्रोश, विद्रोह, आक्रोश, मनु भंडारी से लेकर सबकी कहानियों में ये भाव है। तो कुल मिलाकर उनकी कहानियों में नारीवाद जो है, नारी का स्वर जो है वो प्रमुख है और प्रबल है, मुखर होकर आया है। जहां आपको याद होगा, आपको भी आलोचक हैं, पढ़ते भी हैं, तो किस तरह से राजेंद्र यादव ने कृष्णा सोबती जी की भर्त्सना की थी, जब उन्होंने मित्रों मर्जानी लिखी थी, और मित्रों मर्जानी जब सामने आई तो उस पर उनकी कटु आलोचना, जो राजेंद्र यादव तीन, जो जिनको त्रिमूर्ति कहा जाता है, उनने कहा कि
महाराज के बादलों सबसे के सुंदर घेरे, पात्र। बादलों, हाँ बादलों के घेरे जैसी कहानी, रचनात्मक, सुंदर और शालीन शब्दों में एक कहानी लिखने वाली कहानीकार ने मित्रों मर जाने जैसी अश्लील कहानी लिखी हो, यह पूरी स्त्री जाति के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। तो ये उस समय का पुरुष नजरिया था कि खास करके सेक्स जैसे विषय को स्त्रियों के लिए एकदम टैबू माना जाता था कि नहीं, कोई भी स्त्री इस विषय पर खुलकर बातचीत नहीं कर सकती है। उस विचारधारा को कृष्णा सोबती ने तो उसको कहिए कि उसका ध्वंस कर दिया। और मनु भंडारी से लेकर उषा प्रेमदा, हाँ उषा प्रेमदा ने भी जो पाश्चात्य मुकु और विजी को लेकर जब कहानी मरी हुई मछलियां कहानी लिखी, तो उसमें भी उन्होंने कि जाती है विजी जो है वो अपने पति के पास अमेरिका जाती है, लेकिन देखती है कि वहां उसका संबंध पहले से ही किसी के साथ है, तो वो सीधे पहले तो बहुत वो दुखी होती है, शोक अवधि काफी लंबा उसका चलता है, लेकिन फिर वो ठान लेती है कि नहीं, मुझे मुझे अपनी जगह बनानी है, और धीरे धीरे वो कर भी लेती है। पहले वो एक साउथ इंडियन उसका पात्र है, नाम मुझे याद नहीं है, उसके साथ वो अपने पति को रिश्ता में डालने के लिए उसके साथ अपने संबंध को बढ़ाती है, लेकिन फिर वो तय करती है कि नहीं, अपनी पहचान उसे अकेले ही बनानी होगी। तो इस तरह की बहुत सारी जितनी भी महिला कथाकारों ने है, जहां जहां पुरुषों ने उन्हें दबाने की, और खास करके पुरुष, मैं साहित्यकारों का ही लूंगी, कि उन लोगों ने उनको कमतर करके, कमतर आका, और उनकी रचनाओं को बहिष्कृत किया। मनु भंडारी जैसी, जिनके पति खुद राजेंद्र यादव थे, उनकी रचनाओं को उन्होंने कभी भी तरजीह नहीं दी, हमेशा ही उनकी जो रचनाशीलता थी या रचना जिसको कहते हैं शक्ति थी, उसको हमेशा ही नीचे करके ही उन्होंने दिखाया, आलोचना की, जिसका काफी दुखद परिणाम बाद में हम लोगों को देखने को मिला। खैर वो उनका व्यक्तिगत जीवन था, और उसी का परिणाम है कि बंटी, आपका बंटी जैसी रचना सामने आई। तो महिलाओं का ये बहुत बड़ा योगदान रहा है कि इतने संघर्षों और इतने दबाव के बावजूद भी, और ये सिर्फ दबाव और संघर्ष जो था वो व्यक्तिगत नहीं था, यह हर मतलब बहु या आयामी जिसको कहते हैं, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, जहां वो रह रही हैं, वो हर तरह से उनको एक स्त्री, स्त्री हो, स्त्री की तरह रहना चाहिए, स्त्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके दुस्साहस का काम किया स्त्रियों ने कि अपनी रचनाओं में वो सारी वर्जनाएं थी, उन सारी वर्जनाओं को उन्होंने तोड़ा और कहानी की एक नई अपनी पहचान कहानी क्षेत्र में उन्होंने स्थापित की अपने बलबूते पर, अपनी रचनाओं से। तो ये बहुत बड़ा योगदान है कथा साहित्य में स्त्री लेखन का। चाटोत्री महिला कथाकारों में का जो आपने किताब लिखी, शोध किया, उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है कि उस दशक के लोगों को, वैसे नारी लेखिकाओं को आपने चयन किया, जी वे अलग तरह का विषय था। ये दिमाग में कैसे बात आई? लक्ष्मीकांत सिन्हा जी के दिमाग में आई थी, आपकी आई थी, कैसे सिलेक्ट किया गया इन एमए, ऑप्शन को? मैं जब एमए कर रही थी तो एमए में मेरे स्पेशल पेपर की जगह विशेष पत्र में ये शोध ग्रंथ ही था, केसरी कुमार ने ही सजेस्ट किया था कि मैं शोध प्रबंध लूँ विशेष पत्र की जगह पे। तो उस समय उन्होंने भी इसी विषय पर, महिला कथाकारों के विषय में ही उन्होंने मुझे विषय दिया, सिनॉप्सिस उन्होंने तैयार करवाई। तो उसी को जब लक्ष्मीकांत सिन्हा ने वो मेरा एमए का शोध प्रबंध देखा, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि इसको ही विस्तृत करिए, विस्तृत रूप इसका आपका पीएचडी का शोध होना चाहिए, और आप इसमें, उनका भी सजेशन था कि संघर्ष, भावनाओं की अभिव्यक्ति, रचनाएं उन्होंने महिलाओं ने जितनी भी की है, अलग अलग भावों की अभिव्यक्ति किस तरह से हो, तो इस पर आप काम किया। और लेकिन ये है कि वो काम एक शोध प्रबंध के रूप में ही रह गया,
बाद में काफी बाद में वो प्रकाशित हुई, जिसकी वजह से एक उसमें एक छोटा सा जो अध्याय है वो मुझे जोड़ना पड़ा कि 60-70 की 60-70 ही मतलब 70-75 तक के लोग थे उसमें, रचनाकार थी महिलाएं रचनाकार। तो 80 तक की महिला कथाकारों को मैंने उसमें सम्मिलित किया, कुछ का नाम आपने भी जी सुझाया था। जी तो वो किताब आज भी रेलिवेंट है और आगे भी रेलिवेंसी उसकी बनी रहेगी, क्योंकि वो जो किताब है वो इस तरह के अलग अलग विषयों को लेकर के अलग अलग आलेखों में या अलग अलग पत्रिकाओं में किताबों में वो सब डिवाइडेड है। इस तरह का काम मुकम्मल जी तरीके से आपने किया है। जी इस मुकम्मल काम को करने में कितना समय लग गया आपको? बहुत कठिनाइयां आई होंगी, समय किताब तो छपने में। शोध तो एक निश्चित समय होता है, शोध का लिखा जाना और फिर किताब उपाधि के का रूप में उसको मिलना पढ़ना पड़ता है। जी किताब के रूप में तो बहुत लगा समय, क्योंकि ये 85 तक मुझे उपाधि मिल गई थी पीएचडी की, लेकिन इसको पुस्तक आकार देने में काफी लंबा समय लगा। और ये पुस्तक आकार बीच बीच में प्रयास होते रहे, कुछ जुटता रहा कुछ कटता रहा, और करते करते ये 1900 ये 2017 में ये पुस्तक आकार में आ सकी। ज्योति प्रकाशन से इसका प्रकाशन हुआ। तो तो ये किताब के रूप देने में सर का भी काफी सहयोग रहा, वो बहुत परेशान हुए हमारे। सब बाधाओं को झेलते झेलते आखिर पुस्तक के आकार में आ गई ये। ईश्वर का धन्यवाद है, आपका भी बहुत बड़ा धन्यवाद, आपने सहयोग किया आप कुछ था। कविताएं अपने वो संग्रह से और सुनाइए, अभी तो लोग। एक काफी पहले हमें लगता है कॉलेज के समय में ही एक कविता लिखी हुई है। जी एक कोना मेरे मन का, एक कोना मेरे मन का, का बड़ी चालाकी से जी बड़ी चालाकी से मैंने अपने मन का एक कोना अपने लिए, बस अपने लिए खाली छोड़ रखा है बरसों से। बड़ी चालाकी से मैंने अपने मन का एक कोना अपने लिए, बस अपने लिए खाली छोड़ रखा है बरसों से। मन के बाकी किसी कोने पर तो मेरी कोई मिल्कियत ही नहीं, पर यह कोना मेरा और बस मेरा है। झाड़ती पोछती हूं इसे न जाने कितनी बार, धूल की कणी भी कहीं नजर नहीं आती। जब मेरे आसपास नहीं होता कोई, जब मेरे आसपास नहीं होता कोई, चुपके से इसकी साफ शफाफ दीवार पर लिख देती हूं एक नाम। चुपके से इसकी साफ शफाफ दीवार पर लिख देती हूं एक नाम। बरसों पहले न जाने कब का भूला बिसरा, कभी कभार जब होता है निचाट सन्नाटा मेरे चारों ओर, कभी कभार जब होता है निचाट सन्नाटा मेरे चारों ओर, एक कील ठोक देती हूँ चुपके से, एक कील ठोक देती हूँ चुपके से, और टांग देती हूँ उस कील से अपना कोई एक सपना, अपना कोई एक सपना। और जब कभी होती हूँ मैं सबके साथ, और जब कभी होती हूँ मैं सबके साथ, बचपन की भूली ना समझ शरारत से भर फेंक देती हूँ इस कोने में अपना कोई सुख, एकाध कोई सुख, अपना कोई सुख, एकाध कोई दुख, बस यह मेरे मन का कोना मेरा है अपना है, यही तो मेरा है अपना है। कि बहुत सुंदर, कैसे स्त्री मन एक खुली किताब की तरह स्त्री होती है, लेकिन फिर भी कोई उसका जिसमें जैसे कोई संदूचकी में कुछ फीके रंग के फूल पड़े हो जाते हैं और सूखे फूल की पत्तियां या पंखुड़ियां, फिर कोई जो पहले पत्र होते थे रंग उड़े हरफों के,
वो पत्र दबे रह जाते हैं, वैसे ही उसके मन के अभी कोना कोई होता है जिसमें किसी की दखल नहीं होती, वो उसका अपना होता है, जिसको जिस तरह से चाहे वो उसका कर सकती है इस्तेमाल। तो ये कविता मेरी बहुत प्रिय है। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनाइए। अब कुछ संग्रह से ही मैं सुनाती हूं। हाँ एक आपको याद होगा कि सोन गाथा मैंने एक कविता लिखी थी, थोड़ी लंबी है लेकिन हाँ इसको सुनाइए सुनाना ठीक सुनाइए। है। सुना सोन हाँ गाथा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल अच्छा। कुछ जी, ये और बात करते हुए जी जोड़ने के लिए ये लिंक पुल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी पर मैंने एक कविता लिखी थी। सोन नदी पर बना 1104 फीट का लोहे का ठोस पुल तो बरसों से आती जाती बसों, ट्रकों, छोटी बड़ी खाली लदी गाड़ियों का बोझ ढोता ढोता हिलता डुलता है, लेकिन टिका है। इतना ही नहीं, अपनी छाती पर पसरी पटरियों पर दिन रात बरस दर बरस रेलगाड़ी के पहियों की धार 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 सुनता रहता है, सहता रहता है अपनी छाती पर यूं मूंग दलना। कैसे, क्यों, इतना सहकर वह क्या साबित करना चाहता है? या कि वह शहजोर है या फिर काम चोर है, बिना हिले डुले बगैर किसी जुम्बिश के जिस नदी पर खड़ा है वह तो इतनी सहनशील नहीं है। क्यों, क्या इसलिए कि वह लोहे की नहीं, या इसलिए कि वह थिर नहीं बहती रहती है? कतार की कतार खड़ी ट्रकें, कतार की कतार खड़ी ट्रकें सोन की रेत को रौंदती हैं अपने भारी भरकम पहियों के नीचे। चू चा चरमर चरमर करती ट्रक जब गुजरती है बालू की पगडंडी नुमा सड़क पर, तब बालू पर बिछे पानी पर बिछलती चमकती मछलियां गोत लेती हैं अपने सिर रेत में, गोत लेती हैं अपने सिर रेत में। लरजने लगती है दुम उनकी दहशत से, लरजने लगती है दुम उनकी दहशत से। नदी बेजारी से तकती है, नदी बेजारी से तकती है, अब तक तो तकती ही आई थी, लेकिन वह अपने ऊपर खड़े लोहे के पुल से थोड़ी कम सहनशील है, लेकिन वह अपने ऊपर खड़े लोहे के पुल से थोड़ी कम सहनशील है। तभी अपने ही भीतर की आग ने उसे सुखा दिया है, तभी बहुत अपने सुंदर। भीतर की आग ने उसे सुखा दिया है, तपा दिया है। जिधर देखो उधर रेत ही रेत है। क्या दूर है वह समय जब इतिहास के पन्नों में कैद होगी सोन गाथा, क्या दूर है वह समय जब कैद होगी इतिहास के पन्नों में सोन गाथा। किंवदंती बन जाएगी यह सांस लेती जिंदा नदी, और नदी का यह पानी नदी के इस पार्ट से उस पार्ट तक बिछी रेत की असलियत बखान करेगा इतिहास। बिल्कुल नदी के इस पार्ट से उस पार्ट तक बिछी रेत की असलियत बखान करेगा इतिहास, बताएगा आने वाली पीढ़ी को यह मरुथल नहीं, यहां बहती थी एक नदी जिसमें रहती थी मछलियां, यहां बहती थी एक नदी जिसमें रहती थी मछलियां और थी तैरती नावें, तट पर बच्चे नहाते भी थे, कपड़े धोती थी औरतें, तब भी पुल बिना बोले बिना मुंह खोले ताकता रहेगा चुपचाप, बोझ ढोते ढोते मर गई है इसकी आत्मा। यह निर्विकार है, उदासीन है, निर्लिप्त है, निस्पंद है, निश्चेष्ट है, शायद यही इसकी महानता है। बहुत सुंदर। तो आप चूंकि वरिष्ठ साहित्यकार हैं
तो हम लोग के लिए क्या कुछ कहना चाहती हैं साहित्य के बारे में, कुछ कह दीजिए, उसके बाद समाप्त कर देंगे। साहित्य में तो मेरा योगदान जिसको कहते हैं कि तिनके के समान, अभी शुरुआती दौर में ही मैं हूं, मन में बहुत सारी बातें हैं और अगर उतना कर पाऊं तो साहित्य के क्षेत्र में अपनी तरफ से मैं कुछ कर पाऊंगी, लेकिन जो लोग लिख रहे हैं और जो नए लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जी आपको कवयित्री, आज कवयित्री के रूप में मित्र अनुराधा सिंह बहुत अच्छा लिख रही हैं, थोड़ा कम लिख रही हैं लेकिन उनकी रचनाएं बहुत सशक्त हैं और उनकी रचनाओं का प्रभाव भी काफी गहनता है उसमें, व्यापकता है, उनका दृष्टिबोध भी जो है वो बहुत व्यापक है। तो मैं अपनी तरफ से संदेश क्या दूं, इन सभी सब ये सभी जो नए लिख रहे हैं, काफी लिख रहे हैं, पंखुरी सिन्हा हमारी बिहार की ही हैं, वो भी काफी अच्छा लिख रही हैं और उनसे बातचीत भी होती रहती है, तो ये लोग लिखें सामाजिक सरोकार पर, स्त्री संघर्ष पर, हर क्षेत्र में इनकी कलम और जी इनकी दृष्टि चल रही है, ये बहुत सुखद है और हम सब भी प्रेरणा लेकर उनसे नए हैं लेकिन काफी जो सशक्त एक दिव्या लड़की है, बहुत कम उम्र की लेकिन यही बेगूसराय की, वो भी काफी अच्छा लिख रही है। तो ये लोग लिखते रहे और हम उनसे प्रेरणा लेते रहे और उनसे भी कुछ सीखने का हमें मौका मिल रहा है, ये दे रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय दिया और देवेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, और ये नाम ही है जन सरोकार, जो जनता से सरोकार है, और जन सरोकार टोंग नाम है इस साइट का, यूट्यूब चैनल का। आप लोग देखिए, अपनी सलाह दीजिए, और कुछ अन्यथा हो तो उसे क्षमा भी करिए। सुरेश श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद हाँ देता हूँ। जी मैडम, जी